आज पास कितनी पब्लिक है यार, जो कॉलेज नहीं आते वो भी आए हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ कॉलेज के अंदर, जो अपना आइंस्टाइन को दोगे बना के कि न्यूटन को दोगे? न्यूटन फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। और भाई अब इनसे सबसे पूछेंगे कैसा गया पेपर? पेपर फाड़ा है ऐसे ऐसे फाड़ा है ये देखो। तुम्हारा क्या? गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम कॉलेज में आके अपनी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, बस जल्दी में थे इसीलिए आ गए। बट आज का दिन हमारा पेपर है, मिड सेम का पेपर है, पहली पेपर आज ही है। तो दोस्तों ने बोला पहले आके डिस्कशन करेंगे, तो मैं पहले कॉलेज आ गया और ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मैं अभी कॉलेज में ही हूँ। दिस इज अ प्ले ग्राउंड ऑफ द कॉलेज और मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। वो पता नहीं किसी ब्लॉक में बैठे हैं, बोले कि स्टैंड के पास आ रहा हूँ, तो अभी वो यहीं पे आएंगे तो बातें करेंगे। बाकी देखते हैं, सबसे पूछते हैं कैसा किसका तैयारी हो रखा है मिड सेम का। वैसे पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर ईजी है, बट फिर भी पेपर के नाम पर तो लोग को थोड़ा मोड़ा तो लगता ही है। तो देखते हैं क्या किसकी तैयारी है, कैसा पेपर जाता है। और डेढ़ घंटे की पेपर है, इजीली निकल जाएगी। और बाकी मिलते हैं सबसे, फिर बातें करते हैं। और आज की मैं अपडेट दिखाता हूँ कि कॉलेज में क्या चल रहा है। ऐसे आज इतने कॉलेज में भीड़ है ना, जितने बच्चे आए हैं ना शायद ही कभी आते होंगे, क्योंकि पेपर है, सबको आना है। जिस दिन पेपर नहीं रहता वो बच्चे आते ही नहीं है। घर पर तैयारी करते हैं, मज़े करते हैं, जो भी कर रहे हैं वो पर्सनल थिंग है, जो भी करना है उन्हें करने दो। बट आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो आने दो, हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं, दिखाते हैं सबकी क्या हाल है पेपर के लिए। आज पास कितनी पब्लिक है यार, जो कॉलेज नहीं आते वो भी आए हुए हैं। तुम क्या कर रहे हो ये बताओ? मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ। क्या बोला तूने? आइंस्टाइन को दोगे बना के कि न्यूटन को दोगे? न्यूटन फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन। और भाई बता। और आज गाइस हम आए हुए हैं यहाँ पे अपना पेपर देने, और हमें पेपर में कुछ नहीं आता, लेकिन अरे फर्रे बना रहे नदीम भाई, फर्रे वर्रे सब बना ले, डिजिटल वॉच है इसमें, पूरा पेपर चलेगा मेरा। अच्छा और तुम्हारा? तो मेरी वीडियो तब बनाइयो जब मैं जब फर्रे निकालो ना और टीचर देख रही हो तो आप ऐसा। उसकी अलग एक्सपेक्टेशन है भाई, तुम्हारी क्या है? बस भाई तैयारी हो ही नहीं कुछ भी, काम चल रहा है बस, पढ़ लेंगे थोड़ा सा बैठ के, आधा घंटा मार देंगे, कोई टॉप मार देंगे आधे घंटे में, आधे घंटे में। डिप्लोमा वाले सबसे अच्छे, अब ये लाओ चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वन और टू, वन की वैल्यू माइनस वन है और टू की वैल्यू सेवन। तेरी दो वैल्यू को रखी जिसपे तेरे एक पे पॉजिटिव एक भाई, सीधे पेपर ही लीक करवा रहे हो ना, क्या इतना मेहनत करवा रहे हो भाई? नेगेटिव इस पे आई, टू पे आई है, टू पे सेवन आई ना, इस पे नेगेटिव है। क्या कर रहे हो तुम? अबे टू पे पॉजिटिव है, वन पे नेगेटिव है। भाई सब आपस में ही पागल हो गए पेपर के चक्कर में भाई, इतना नहीं पढ़ना होता भाई। नदीम, अरे नदीम भाई माइनस वन, इतना नहीं पढ़ना होता भाई, इतना नहीं पढ़ना होता है भाई, इतने पढ़े जा रहे, पता नहीं क्या होगा हमारा, बट पेपर के बाद देखेंगे। मैं तो सोच के आता पेपर इजी है, इन लोगों का प्रिपरेशन देख के लग रहा है भाई पेपर टफ है, पेपर टफ है, इजी है भाई, लेकिन टॉप तो मारना। ओ पेपर इजी है, टॉप मारने की प्रैक्टिस हो रही है इधर, और मुझे टॉप नहीं करना तो ठीक है हमारा फिर तो। हम निकल चुके हैं अपने एग्जाम के लिए, एग्जाम हॉल में या क्लास में जा रहे हैं? सॉरी सर, तो अभी हम क्लास में जा रहे हैं, ये हमारे दो नमूने दोस्त, वो दिखाना वॉलीबॉल के, और ये चल रही है यहाँ पे वॉलीबॉल, नो हमारी पढ़ाई चल रही है और इनकी खेलाई चल रही है। क्या बोला तूने? ये देखिए सबसे हरामी दोस्त है हमारा बीच का, ये गाली गलौज बहुत देता है, ये गाली बहुत देता है, इसके संस्कार सही नहीं लग रहे मेरे को, बट जो भी है दोस्त है तो कुछ भी मैनेज करना पड़ता है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने क्लासरूम के लिए, ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकते ना, दिक्कत यह है, चल रहे क्लासरूम। ये हमारे क्लासरूम जहाँ पे हमारी अभी मिड सेम की पेपर होने वाली है, ये हमारी पेपर ख़त्म हो चुकी है और हम अब निकल रहे हैं अपने पीजी की ओर। उससे पहले सारे दोस्तों से पूछते हैं कैसा गया, नीचे जाके पूछेंगे सबके सब उधर। तो यार पेपर तो सही गया, पेपर इजी था, बट
थोड़ा कैलकुलेटिंग ज्यादा था। भाई सब रो रहे हैं पेपर दे के, मेरे को खुशी आ रहा मेरा पेपर सही है। एक रात पढ़ो और पूरी पेपर सही कर दो। तो अभी हमारी पेपर खत्म हो चुकी है। ये हमारे दोस्त है, अब इनसे सबसे पूछेंगे कैसा गया पेपर। पेपर फाड़े ऐसे ऐसे फाड़े बस क्या कहे। अब नदीम भाई माँ की बहन की साली जो पढ़ाते हैं वो देते नहीं है। तुम्हारा आदित्य रोय भाई इसने सबसे टॉप पेपर किया भाई। मेरे पेपर तो सही गए बहन जो, एक रात पढ़ो पूरी रात पेपर लिख के आओ। भाई ये सब गलत फैली है, मैं एक ही रात करता हूँ। मेरी एक लास्ट बची थी तुम्हारी। अबे मैंने खोल खोल के दबा के लिखा। मैंने खोल के लिखा, मैंने फोन रखा था अबे, मैंने प्रिसाइज करके लिखा। यहां तुम्हारे के तू ले जा रहे फोटोकॉपी निकलवाने, उसके बाद स्टार ऑफिस जाएंगे, वहां पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिट करना साथ में। नहीं प्रोविजनल, प्रोविजनल अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा होता है। ओ माय मिस्टेक। तो अभी जा रहे हैं, यहां पे है ना ये रहा। तो काट दे काट दे ये वाला सीन, काट सीन काट दे सीन सीन। सो अभी हम रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और हम अपने रूम की ओर निकल रहे हैं। कल हमारे डिस्क्रीट मैथ की पेपर है। ओए ओए कल डिस्क्रीट मैथ की पेपर है ना। कल डिस्क्रीट मैथ की पेपर है, आज भी मैथ कल भी मैथ पढ़ते रहो। मैथ मैथ खराब वो सब्जेक्ट था कि खोल के भी नहीं देखा, और वो सब्जेक्ट हमने देखा भी नहीं है। तो आज रात को पढ़ेंगे, कल पेपर देंगे। बीटे किसी को बोलते हैं रात रात में पेपर रात को पढ़ो सुबह पेपर दो, बीटे किसी को बोलते हैं। तो चलते हैं आगे, मैं दिखाऊंगा रूम पे जाके। हमारी मैथ की पेपर है, वैसे कल का पेपर सीएम का था, बहुत अच्छा गया मेरे हिसाब से। तो बाकी सब रो रहे थे कि पेपर खराब गया वैसे वैसे, यार इतनी टफ पेपर नहीं थी जितने लोग कंपेरेटिवली देख रहे थे। बट मेरा पेपर ठीक है और मैं अभी मैथ के पेपर देने जा रहा हूँ। जब मेरा पेपर तो लेट से है बट मैं पहले जा रहा हूँ, उसका रीज़न चलिए कॉलेज में दिखाता हूँ कि पहले क्यों आया हूँ। अभी हम कॉलेज पहुँच चुके हैं और अभी 11 बज रहा है जबकि पेपर हमारा 12:30 बजे से है। तो मैं इतनी पहले क्यों आया हूँ, अपने दोस्तों की वजह से। दोस्तों का कहना है कि आओ डिस्कशन करेंगे फिर पेपर देंगे, और मेरा इस सब में बिलीव नहीं होता बट फिर भी जब बुलाए हैं तो आना ही पड़ेगा। तो बस मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं, चलो दोस्तों को दिखाता हूं कि कहां पे हैं वो लोग और क्या कर रहे हैं। ओहो बता बता भाई क्या क्या पढ़ लिए। तूने पढ़ा है सब कुछ है? मैं तो पढ़ के आता हूं भाई। कॉपी ले जा रहे हैं सीधा। किसका? सर के नोट्स। आंसर शीट में ये चिपका देंगे। तो पढ़ के नहीं आया कुछ? और तू भाई? भैया तू ही पढ़ाएगा, जनता माफ नहीं करेगी। बैठ जाओ। अब इनके साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, होने जाना कुछ नहीं है, टाइम बर्बाद इसको बोलते हैं। बट फिर भी मैं इसे सब दिखा दिया। मैं इसके पीछे बैठा था एक लूंडे ने से हाय बोल दिया, उसके बाद तो उसने पूरा पेपर खोल के रख दिया उसके सामने गाइस। पर मैं पूछे यार बंदे से कुछ बता ही नहीं रहा। बता आइए हम आपको कॉलेज की लड़कियां दिखा दें। मेट्रो चलेगा तू भी? मेट्रो रहता है